अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत मज़े में हैं। अच्छा, आज आप देख रहे होंगे ये इतना सारा लंच किसका, और तो ये उमर साहब के आज स्कूल में शेयरिंग डे था, तो मैं उमर के लिए अलग से जो है एक्स्ट्रा लंच उमर को दे रही थी ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। और इन बच्चों का लास्ट डे भी है क्योंकि इनके जो हैं असेसमेंट पेपर सब कुछ ख़त्म हो गए। अब ये जाएंगे 10, 12, 15 पता नहीं कितने डेज बाद, और उसके बाद उससे पहले उनका रिज़ल्ट डे होगा। और मैं आपको तंग कर रही हूँ तो आप स्लीपी हुए हो? लंच समझ में आया है ना शेयरिंग कौन सा है और आपका कौन सा है? हाँ भाई हाँ। चलो इनसो में लिखो। मरने वालों के पास क्या था लिखा हुआ रेगिस्तान में? माल दौलत से तो पेट नहीं भरता, माल दौलत से तो अच्छा शंजम है। सोने चांदी से अच्छा तो शलजम है, मगर ये एक ही बात है। पढ़ाई करनी है। बाय बाय। क्यों? क्या? पढ़ाई खत्म खत्म फिनिश। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हेलो उमर, आ जाओ। लास्ट डे था ना? नहीं। आय हाय फिर नहीं जाने। आय हाय सिर्फ आपको। हेलो मी, क्या हुआ? क्या हो रहा है? अरे भाई उनैस की फरमाइश पे दाल चावल फ्राइज बन रहे हैं, और उन्होंने कल फरमाइश की थी कि अम्मी दाल चावल बनाइएगा। हाँ। फ्राइज बनाइएगा। हाँ। चलो मैं दाल चावल फ्राइज बना ही दूं आज उनकी फरमाइश पे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार खत्म हो गए इनके, अब ये एंजॉय करेंगे बहुत ज्यादा। फरमाइशें होती रहेंगी। और रात में क्या होगा? रात के देखेंगे कुछ। रात में हमें जाना भी है। कहाँ जाना? हमजा के बेटा हुआ है। अच्छा, मुबारक। तो वो देखने जाना है। क्यों? थोड़ी सी लग भी गई। खाना भी खा लो ना उमर। बोलो। अब क्या बनाने वाले? अब बता दें गोश्त कौन सा है हमारे पास? गोश्त हमारे पास उसका ही है, बीफ का है, मगर हमारे पास रखा हुआ था गोश्त ना, मैं ला के रखती हूँ अभी, ताजा ताजा नहीं है। तो बकरीद का तो नहीं है ना? नहीं, 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 थोड़ी है। अच्छा, अभी मैं जो लेने गई थी ना सामान, हाँ। तो बाहर जो है वो जो दुकान है ना उसके बाहर अभी वैन को लूट लिया, ब्रेड की जो आती है ना कंपनी की वैन, उसको अभी फौरन हमारे फ्लैट के बाहर उसके 19-20 हजार रूपए ले गए। अब क्या होगा? तुम अभी गई थी तो तुम्हारे साथ अभी तो मुझे हाँ ना 20 हजार लोग खड़े हुए थे, अभी लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, अभी आपने इसमें तेल डाल के प्याज डाल दी? हाँ, प्याज डाली है इसके अंदर। हाँ। अच्छा, नहीं क्या फिर क्या इसमें आपका क्या कमाल होगा? कमाल होगा पकाने का भी, कमाल ही होता है। अच्छा, और क्या? अच्छा चले, तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा सर गोश्त को बलने में? अम्मी नहीं क्यों?
माशाल्लाह कितना प्यारा है, बहुत प्यारा। रिपीट करती रहो दादा। इसीलिए बोल रही बार बार कि व्लॉग चल रहा है। मैं समझ गई ना, मुझे पता है मेरी तरफ से हम लेट हो गए। रवि का ने रवि का जाने के टाइम पे रोई, इनके होने के बाद हमजा साहब बहुत रोए। क्यों? बहुत रोया। नॉर्मल हुआ? तो क्यों रोया वो हमजा, क्यों रोया? खुशी से आए। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर का मौसम, इसकी वजह से हॉस्पिटल ही इतना खूबसूरत लगने लगा था। खैर अब मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।